जैक तुम एक काम करो, तुम ना उस साइड में जाओ और मैं इस साइड में जाता हूँ। यहाँ से जाना, देखना कहीं जंगल में जानवर ना मिल जाए और अच्छे से वो वापस पे आ जाना। अगर सोफिया मिल जाए तो हम लोग यहीं पे मिलेंगे वापस। जब मैं इधर जाता हूँ तुम उधर जाओ। सोफिया कहाँ हो? क्या कहाँ हो तुम? भगवान इतने घने जंगल में, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? भगवान मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इतने घने जंगल में क्या कर रही हूँ? अरे हाँ, याद आया, मैं तो पहाड़ से गिर गई थी नीचे। क्या करूँ अब, मैं वापस कैसे जाऊंगी? कहीं सब लोग मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए ना? मैं जाकर देखती हूँ। दादी माँ आप कहाँ पे हो? दादी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं क्या करूँ, कैसे इस जंगल से बाहर निकलूंगी मैं? सोफिया कहाँ हो तुम? देखो मैं यहाँ पे हूँ, कोई है मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। सोफिया आवाज तो इधर से आ रही, जाकर देखता हूँ। और ये बताओ कि तुम इस जंगल में आई कैसे? वो एक्चुअली मैं ना राधा के साथ में इधर घूमने आई थी, पर बहुत दूर चलने के बाद में ना मुझे प्यास लग गई, इसलिए राधा ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और वो अभी तक आई नहीं। लगता है कि वो जंगल में भटक गई है कहीं पे। तुम ये मजाक कर रही हो? वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चली गई। वो तो हम लोग को जाकर बोल रही थी कि उसने तो कुछ बताया भी नहीं कि सोफिया कहाँ गई। वहाँ पे ऐसे प्रेरण कर रही थी जैसे कि तुम उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा कर भी कैसे सकती है? वो तो तुम्हारी बहन है ना, और बहन होकर अपनी बहन को ऐसे मुसीबत में कैसे वो डाल सकती है? जैक एक्चुअली में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्या पहली बार नहीं हुआ है मतलब? क्यों राधा मुझसे इतना ज़्यादा जलती है? मैं जब भी गांव में आती हूँ तब वो मुझे परेशान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। पिछली बार मैं आई थी तब उसने मुझे नदी में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। पर इस बार उसने मुझे जंगल में अकेले छोड़ दिया, और बचपन से ही वो मुझे हमेशा परेशान करती है। जब भी मैं गांव में आती हूँ तब वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मुझे नहीं पता था कि वो राधा इतनी ज़्यादा बुरी लड़की है। घर पे चलते, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। ठीक है चलो। वैसे तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया जो तुम हमेशा पहनती थी? तो मेरा ब्रेसलेट लगता है कहीं पे खो गया। मैं तो पहनकर आई थी, लगता है जंगल में ही डर के मारे कहीं मुझसे खो गया होगा। काम करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहीं पे रुको। एक मैं बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, और वैसे भी ये जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है, हम कहाँ ढूंढेंगे उस ब्रेसलेट को? इतना छोटा सा ब्रेसलेट है। चलो घर चलते, बाद में कभी ढूंढ लेंगे हम। चलो अरे अरे दादी माँ आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? यार मेरा ना काम पूरा हो गया था इसीलिए ना मैं आ गई। जल्दी से काम पूरा हो गया था इसलिए मैं जल्दी से आ गई, ताकि मैं सोफिया और एमिली के साथ में मस्ती कर सकूँ, और बाकी सारे बच्चों के साथ में भी। मैं सबको जंगल घुमा दिया ना बेटा? हाँ हाँ दादी माँ, मैंने तो सबको जंगल घुमा दिया। सभी बच्चे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? तुम दोनों ही हो बस, अभी तक जंगल में ही है। तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? नहीं 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 दादी माँ, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है।
दादी माँ बहुत कुछ हो गया है, आपको पता है सोफिया कहीं जंगल में खो गई है। सोफिया कहीं जंगल में खो गई, ये कैसे हो गया? एक्चुअली में हम लोग राधा के साथ में जंगल में घूमने गए थे, तो हम लोग एक जगह पे रुके तो सोफिया पता नहीं कहाँ चली गई और अंकुश उन्हें ढूंढने गए हैं। सच सच बताओ ये सब तुमने ही किया है ना? नहीं 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 दादी माँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। दादी माँ आपने सही कहा, राधा ने ही सोफिया को ऐसे जंगल में छोड़ दिया है, हम सबको एक जगह पे छोड़कर और राधा सोफिया को ले जाकर जंगल में छोड़कर आ गई थी। कहा था कि राधा तो सुधर गई है, लेकिन तो एक वो भी सुधरी नहीं है। जब भी मेरी बेटी सोफिया यहाँ पे आती है तब उसे परेशान करती है ना, बार ऐसे ही करती है। इस बार रुक जा, इस बार मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी। नहीं दादी माँ प्लीज पापा को मत बताना, आपको तो पता ही ना कि वो मुझे कितना ज्यादा डांटते हैं, प्लीज उन्हें मत बताना दादी माँ। पैर पकड़ती हूँ दादी माँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो दादी माँ। माफी मुझसे नहीं, जाकर सोफिया से मांगो। माफ कर दो सोफिया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सोफिया प्लीज। नहीं राधा तुम रो मत, और तुम आगे से ऐसा कभी मेरे साथ मत करना, या फिर किसी और के भी साथ ऐसा कभी मत करना। सोफिया मैं ऐसा कभी किसी के साथ में नहीं करूंगी, प्लीज दादी को मना कर दो कि वो मेरे पापा को ना बताए कुछ भी। चिंता मत करो दादी माँ, प्लीज आप इनके पापा को मत बताइएगा प्लीज। सोफिया मैं नहीं बताऊंगी। सोफिया बेटा जरा ना नदी से ना पानी भर कर लेकर आ जाओ, पौधे लगाए हैं ना उनमें पानी डाल देना। वाह मेरे पौधे बड़े हो गए दादी माँ, मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। रुको मैं भी आ रही हूँ। कब सोफिया को ढूंढ लिया है? मैं तुम्हारी तरह लल्लू नहीं हूँ जो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा किसी को भी। देखो जिसे देखो तब मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ। ये कितना सुंदर मटका है ना, मैं ये ऊपर वाला लूंगी। ये तुम्हें नदी का रास्ता पता है? अरे हाँ मुझे नदी का रास्ता पता है, चलो मेरे साथ चलो। कितना अच्छा पानी है ना। हाँ चलो यहाँ से मैं पानी भर लेती हूँ। फिर तुमने प्लांट्स कहाँ लगाए हैं, मुझे देखना है ना उन प्लांट्स को। मैंने इस प्लांट को लगाया है। ज़्यादा ब्यूटीफुल से है ना। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो जो आपको घंटे का निशान दिख रहा होगा ना उसको बजाकर और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वाला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।